माननीय अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का समय दिया। आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय राज्यपाल जी के माध्यम से जो दोबारा मनोहर जी के नेतृत्व में बनी हरियाणा की सरकार का जो एक विजन लेकर के वो उपस्थित हुए, और उसमें मेरे से पूर्व भी सभी लोगों ने जो 70 पॉइंट्स पर चर्चा करी, मैं सोचती हूँ कि मुझे दोहराने की भी जरूरत नहीं है, और शायद हम सभी लोग कहीं ना कहीं इन सब चीजों से कुछ ओपन सहमति देते हैं और कुछ मुख सहमति देते हैं कि सरकार ने बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत काम किया। सरकार ने, अगर मैं बोलूं तो शिक्षा के क्षेत्र में भी, कि जैसा अभी भी चर्चा हो रही थी कि 22 कॉलेजेस की चर्चा हो रही थी, या बेटियों के लिए विशेष ध्यान देते हुए कि बेटियों के लिए कॉलेज हर जगह पर 20 किलोमीटर के दायरे में हो, चाहे वो कोएड कॉलेज हो या सिर्फ बेटियों के लिए हो, और अपने आप में बहुत सारे नए कीर्तिमान ना केवल हरियाणा में स्थापित किए बल्कि मैं कहूंगी कि देश में भी स्थापित किए। जिस प्रकार की पढ़ी लिखी पंचायत का होना, गौ संवर्धन कानून सबसे पहले लेकर के आना, 12 साल की बेटी के साथ अगर कोई गलत अपराध होता है तो उसे सजाए मौत की सजा का देना, मैं ऐसी बात कहूं तो इस बार एक और नया जो परंपरा शुरू हुई, जो प्री बजट मीटिंग लेते हुए 90 के 90 जनप्रतिनिधियों से उनके सुझाव, जिसे हम कहते हैं कि पार्टी स्तर से ऊपर उठ करके हरियाणा के बारे में सोचते हुए सभी को साथ लेकर के आगे चलना, और आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व की सरकार जिसका मूल मंत्र अंत्योदय और समरसता है। अंत्योदय का भाव ये है कि भाई हर व्यक्ति को जिस पर कमी है, अभावग्रस्त है, उस तक पहुंचे, और जब हम समरसता की बात करते हैं तो समरसता में जिसे हम दोनों बातों को साथ जोड़ते हैं, सबका साथ सबका विकास, और इसके साथ साथ हरियाणा एक, हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर काम कर रही है, और इसके लिए मैं सोचती हूँ कि शायद हरियाणा ने भी इस सरकार को अपने मन से भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए आगे का एक जिम्मा सौंपा। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत सारी चीजों में हमने बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त करी, लेकिन मैं फिर भी कुछ ऐसे विषय लेकर के जो मेरी विधानसभा से भी संबंधित है और मेरी विधानसभा के साथ साथ और जगहों से भी संबंधित है हरियाणा के, मैं उन विषयों पर आपके समक्ष बात रखना चाहती हूँ। कि मैं चाहती हूँ कि आपके माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारे अर्बन लोकल बॉडी मिनिस्टर ऑनरेबल अनिल विज जी तक पहुंचे। मैं फरीदाबाद के बडकल विधानसभा से आती हूँ, और बडकल विधानसभा और फरीदाबाद जिला एक ऐसा जिला है कि जब 1947 में विभाजन हो रहा था, उस समय कत्लेआम की एक रात बनी जिसमें बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान से भारत की ओर आ रहे थे, और वो बहुत सारे परिवार थे जो उसमें शहीद हुए। ऐसे परिवारों का, विस्थापित परिवारों का शहर बना फरीदाबाद, कुछ लोग रोहतक में जाकर के बसे, कुछ अंबाला में बसे, और कुछ लोग जो हैं उसके पानीपत में भी गए। फरीदाबाद में आज भी एक शब्द जिसका विशेष प्रयोग किया जाता है अलग अलग माध्यमों से, जिसे रिफ्यूजी वर्ड कहते हैं, जबकि आज उन परिवारों में से मैं भी एक हिस्सा हूं, और आज हमारी, मेरे परिवार की, मेरे फोर फादर्स की आज छठी पुश्त फरीदाबाद में जन्म ले रही है, लेकिन टैग वही है। मैं आपके संज्ञान में ये बात इसलिए लाना चाह रही हूँ कि ये एक ऐसा विषय है कि आज 52 साल का हरियाणा और मेरे हिसाब से 72 साल का देश होने जा रहा है, और इतने लंबे अरसे में फरीदाबाद का वो दायरा जहाँ पर कि ये विस्थापित लोगों को, जहाँ हम लोगों ने स्थापित किया फरीदाबाद के प्रॉपर टाउन में, उस एरिया में आज तक कोई ऐसा कानून नहीं बना कि जिसे हम बिल्डिंग बाईलॉज कहते हैं, क्योंकि जब हम बात रखने के लिए खड़े होते हैं तो उस पर कोई मांग रख लेना एक बड़ी बात नहीं है। ये हाउस पॉलिसी मेकिंग हाउस है, और इन्हीं पॉलिसी से आप हरियाणा के हर व्यक्ति को फायदा पहुंचाते हैं। तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि टाउन का एरिया, जिसे हमारे यहाँ पर मेरी विधानसभा में NH1, NH2, NH3, NH4 और NH5 नाम से कहते हैं, यहाँ पर बिल्डिंग बाईलॉज कोई भी नहीं है, और उस समय 1947 में जब ये इलाका बसा,
तो उस समय के आदरणीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इस क्षेत्र को बसाया और जो पाकिस्तान से लोग आए थे उनसे ये कहा गया था कि पहले उनसे ये कहा गया कि इनको पेंशन लगा दी जाए, लेकिन वो इतने कर्मठ थे उन लोगों ने कहा जी हमें पेंशन की जरूरत नहीं है, हम अपने हाथों से मेहनत करेंगे और फरीदाबाद को बनाएंगे। और मैं उन तमाम लोगों को, वो चाहे किसी धर्म जाति किसी बिरादरी से आते हूँ, मैं आज इस सदन में उनको नमन करती हूँ कि उनकी मेहनत के बदौलत फरीदाबाद एशिया के मानचित्र पर चमका। लेकिन बड़ा दुख लगता है कि आज 52 साल में भी इस पर्टिकुलर एरिया में बिल्डिंग बायलॉज कोई भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति उठता है, समाज से कोई भी व्यक्ति उठता है, वो आरटीआई या पीआईएल के माध्यम से बनती हुई दुकानों को, जब ये जगह बसाई गई तो मेरा निवेदन है आदरणीय मुख्यमंत्री जी से और अर्बन लोकल बॉडी मिनिस्टर से कि वो कागज उस समय के मंगाए जाएं। उस समय के कागज इसलिए मंगाए जाएं कि वो कागज जो हमारे फोर फादर्स को दिए गए थे उसमें कहा गया था कि ये जमीन आपको रहने खाने और कमाने के लिए दी जा रही है। तीन शब्द थे, रहना खाना और कमाना, लेकिन वो आज तक इसी बेस पर वहां पर चलता आ रहा है। लेकिन बिल्डिंग बायलॉज ना होने की वजह से तमाम छोटा व्यापारी कोर्ट में अलग अलग लोगों के पीआईएल डलने से आज उसका रोजगार, उसका परिवार जो कि 233 मकान के टुकड़े होते होते छठी पुश्त के हिस्से क्या आ रहा है वो हम समझ सकते हैं। और बहुत मेहनत का शिलाकर जो फरीदाबाद को कहां तक ले गया एशिया में, तो इनके लिए कानून बनाया जाए ताकि व्यापारियों पर ये रोज जो तलवार कोर्ट के माध्यम से आए या किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से आए, एक कानून बनाया जाए और इनको राहत देने का एक तरीका निकाला जाए। मैं दूसरी बात लेकर के जाना चाहती हूं कि बहुत संवेदनशील इलाका है अरावली का। मैंने हालांकि प्रश्न भी लगाया था कि 2000 से लेकर 2020 तक का फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग एक ब्यौरा दिया जाए कि वहां कितने फार्म हाउसेस थे हर वित्तीय वर्ष में, उनकी संख्या कितनी बड़ी, उनका क्षेत्रफल क्या था, वो ओनर नेम कौन था, उसने बिजली का कनेक्शन कब लिया और उसने पानी का कब लिया, ताकि 2000 में अगर पांच थे तो आज वो 500 कैसे हो गए। और अरावली का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र आता है जहां पर फॉरेस्ट एक्ट लागू होता है, माइनिंग एक्ट लागू होता है, और मैं सोचती हूँ आज पर्यावरण पर किसी गांव के व्यक्ति से लेके देश के सर्वोच्चतम स्थान तक पर्यावरण की चिंता की जाती है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि मेरी ही विधानसभा में एक कांत एनक्लेव डेवलप हुआ था और उस कांत एनक्लेव को गिराने के कोर्ट के आदेश हुए और उन आदेशों पर अभी एक साल में, पिछले 8-10 महीने में तमाम बिल्डिंग्स कोर्ट के आदेश के अनुसार गिरा दी गई। तो मेरा सरकार से निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन और संबंधित सभी मंत्रियों से निवेदन है कि इधर दोबारा कांत एनक्लेव ना बने और ये जो फार्म हाउसेस के ओनर्स हैं वो चाहे धोखे से जमीन खरीद गए या वो किसी का शिकार हुए, लेकिन धोखा खाने वाला जो है उसका कसूर कम होता है, देने वाले का ज्यादा होता है। तो कोई कानून ऐसा बनाया जाए कि ये फार्म हाउसेस रेगुलराइज हों। और इनके साथ साथ मेरा एक और निवेदन है कि ये जितना रिलेशन जो इसका एनवायरनमेंट के साथ है, मेरी विधानसभा में पानी की बहुत किल्लत है क्योंकि आधी विधानसभा पहाड़ है। और मैं आपसे ये निवेदन करना चाहती हूँ कि वन विभाग वाले, माइनिंग विभाग वाले हर 15 दिन में ड्रोन रिकॉर्डिंग करके सीपीडीसी और कमिश्नर तक ये चीज पहुंचाएं। मैं अंत में दो लाइनें और बोलना चाहती हूँ कि सीवरेज सिस्टम, क्योंकि 1947 में फरीदाबाद बसा और भटकल उसका बड़ा अहम हिस्सा है, तो वहां पर सीवरेज लाइन डले हुए 60 साल से ऊपर हो गए और माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा भी है कि उसकी सीवरेज लाइन बदलने की। तो मेरा निवेदन है कि आदरणीय अर्बन लोकल बॉडी मिनिस्टर इसको थोड़ी गति दें। इसके साथ साथ एक और पॉइंट साथ जोड़ना चाहती हूँ कि हुड्डा ने, लास्ट पॉइंट है सर, हुड्डा ने बहुत सारे सेक्टर्स काटे हैं, हुड्डा ने, लेकिन हुड्डा जब सेक्टर काटता है तो हुड्डा की जिम्मेवारी होती है कि वो उन गांव को प्रॉपर शहर के मुकाबले में डेवलप करके लेकर के आए। क्या सरकार कोई ऐसा दस्तावेज या कोई ऐसी कमेटी बनाए जिसके माध्यम से वो ये चेक करे कि इन्होंने सेक्टर्स तो काट दिए लेकिन गांव वालों के साथ धोखा किया,
गांव कोई डेवलप करके नहीं दिया, ना सीवरेज, ना पानी, ना कुछ। मुझे बताते हुए दुख भी होता है कि 52 साल के हरियाणा में आदरणीय मनोहर लाल जी के माध्यम से पहली बारी सरकार की पीने की लाइनें और सीवरेज डालने का हम काम कर रहे हैं। तो मैं अंत में आपको, मैं स्मार्ट सिटी में भी ला रही हूं जी, आप मैं स्मार्ट सिटी में आ रही हूं, मैं उसका धन्यवाद करना भूल गई थी, आपका याद दिलाने का धन्यवाद। स्मार्ट सिटी फरीदाबाद बन रही है, इसके लिए मैं विशेष विशेष आभार प्रकट करना चाहती हूं। लेकिन जो काम मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूं कि लकड़पुर का इलाका, शिव दुर्गा विहार का इलाका ऐसा है जिसमें अभी अभी मैं खुद 6 महीने 8 महीने पहले 10 करोड़ की पानी की लाइन शुरू करा कर आई हूं, सरकारी पीने की लाइन। और इसके साथ मैं आपको बताना चाहती हूं, सूरज कुंड का मेला जहां लगता है, जिंदगी में पहली बार 37 करोड़ रुपए में मनोहर सरकार ने सीवरेज की लाइन डालने का काम किया है जो अभी भी गति पर है। इसमें किसी सरकार का दोष मैं कम मानती हूं, मैं जनप्रतिनिधि को ज्यादा दोषी मानती हूं कि आज मेरे पर बडकल की जिम्मेवारी है। सरकार के बात हित में जाए या खिलाफ जाए, जनता के हित में जानी चाहिए जिन्होंने आपको चुन करके यहाँ अपनी आवाज उठाने के लिए भेजा है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने बडकल में विशेष तौर से पूरी सड़कें संपर्क दिया और हमें जो है बिजली के कई सब स्टेशन भी दिए। लेकिन मैं चाहूंगी कि कुछ बातों को और जो मैं लिखित रूप में आपको दूंगी उस पर काम किया जाए। व्यापारियों पर विशेष, जो मैंने अभी कहा, मैं बार बार कोट कर रही हूं, व्यापारी और अरावली, इन दोनों को, मेरे टाउन को और अरावली को, इनको विशेष देखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।